गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट क्लास हमने देखा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जितनी कैपेसिटी होती है सॉलिड को डिजॉल्व करने की, उतना उसमें पहले से ही मिक्स हो। यानी कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा सॉलिड मिक्स करना चाहें तो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होती हैं जो कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे उनको जितना सॉल्यूट चाहिए था आप उससे कम दिए हैं, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने ले लिया है, मान लीजिए मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया है वो क्या है, सैचुरेटेड। इसकी जितनी कैपेसिटी थी आपने उतना पहले से मिक्स कर रखा है, अब इससे ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं होगा। इस केस में अगर आप इसको हीट करेंगे तो आप देखिए, हीट करने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब आप हीट करते हैं इसका मतलब क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ये जो एटम्स हैं आप बताइए, जब आप इनकी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अभी ये जो गैप इतना छोटा सा है, जब आप इसको हीट करने लगेंगे तो ये दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि ये गैप देखिए क्या हो गया, बढ़ गया। अब बात को समझिएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस की जो साइज वो बढ़ जाती है। अगर साइज बढ़ेगी तो बताइए उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा मिक्स हो जाएगी या कम ही हो पाएगी। हाँ, ज़्यादा हो पाएगी ना। इसका मतलब कि जब आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे, मान लीजिए ये 10 ग्राम था, कब, 25 डिग्री सेल्सियस पर, और आपने इसको हीट कर दिया कितना, 100 डिग्री, अब मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इनके बीच का जो पार्टिकल्स की गैप था वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब बताइए कि 50 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या इसको 10 ग्राम सॉल्ट ही चाहिए होगा या 10 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा। हाँ, इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो 10 ग्राम सॉल्ट से बढ़ के ज़्यादा हो गई होगी। यानी कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे तो उस टाइम पे तो 10 ग्राम ही आपने मिक्स किया था 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब आपने हीट करने लगा तो ये साइज बढ़ गई, यानी कि जितना सॉल्ट पहले से वो तो मिक्स हुआ ही है, इसमें और भी एक्स्ट्रा सॉल्ट आके मिक्स हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने हीट किया तो पार्टिकल्स के बीच के जो गैप थी उसकी साइज बड़ी हो गई। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसको हीट करने के बाद हम इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल की साइज बड़ी हो जाएगी और आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट जब आके मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। यानी कि हीटिंग करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्या हो क्या रहा है एक्चुअली, जब आप हीट करते हैं, मान लीजिए आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यानी कि उसमें जितना सॉल्ट होना चाहिए था आपने मिक्स करके रखा है, फिर आपने मिला के चेक किया तो और मिक्स नहीं हो रहा था, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ गया, यानी कि अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अब उसके अंदर 10 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट आ सकते हैं। यानी कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे फिर आप सॉल्यूट ला के चेक करेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी। यानी कि उस केस में जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा। कब, टेम्परेचर बढ़ाने पर। यानी कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूट का अमाउंट, हाँ सॉल्यूट का अमाउंट जो मिक्स हो सकता है सॉल्यूशन में वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब भी आप हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर के बाद वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी का अपोजिट अब बताइए, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, तो देखिए जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे यानी कूलिंग होगी, तो बताइए ये जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो क्या होंगे, दूसरे के पास पास आने लगेंगे। अब मान लीजिए इस केस में 10 ग्राम सॉल्ट, मान लीजिए 12 ग्राम सॉल्ट था इसी कैपेसिटी मिक्स होने की,
जब आप इनको पास ठंडा कर रहे हैं, ये पास आ रहे हैं, तो ये पार्टिकल की गैप बढ़ रही होगी घट रही होगी। जब ये पास आएंगे तो वो गैप क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यानी कि जो सॉल्ट होगी ठंडा करने के बाद, वो 12 ग्राम सॉल्ट मिक्स हो पाएगी, 12 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा मिक्स हो पाएगा, या फिर 12 ग्राम से कम ही सॉल्ट मिक्स होगा। हाँ समझ गया ना, कि जब वो पास आएंगे साइज कम हो गई तो सॉल्ट ज़्यादा मिक्स होगा कि कम मिक्स होगा। यानी कि उस केस में अगर मान लीजिए आपके पास एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि इसकी अगर कैपेसिटी 15 ग्राम की थी और 15 ग्राम ही इसमें मिक्स है, और आपने इसको ठंडा करने लगे, तो अब इसकी कैपेसिटी 15 ग्राम से कम हो गई और आपने मिक्स क्या किया 15 ग्राम से ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा वो अब क्या करेगा, इसी कंटेनर में जो नीचे की तरफ लेयर होती है वहाँ इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। यानी कि आप एक काम कर सकते हैं, घर पे एक सॉल्यूशन बनाइए सेचुरेटेड, यानी मिक्स करके देखते रहिए कब तक मिक्स हो जा रहा है। जब पूरा मिक्स हो गया और उसके आगे मिक्स नहीं हो रही है, उसको आप कूल करिए। जब आप उसको ठंडा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के नीचे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको ठंडा कर रहे थे तो पार्टिकल्स की गैप कम हो गई थी, उसकी कैपेसिटी कम हो गई थी, इसीलिए उसमें जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था वो उसको बाहर निकाल दिया, और वो आपको जो भी कंटेनर होगा उसके बॉटम लेयर पे, ये जो लेयर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअल क्या क्या होगा ये सब क्लियर है ना। अब आइए हम आपको लिखा देते हैं। अ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, सो इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड, आप यहाँ से लिखेंगे, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में बदल जाता है, अनसैचुरेटेड में, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। आप इसको यहीं रोकेंगे नहीं, आप इसके आगे रीजन लिखेंगे, दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस ऑन हीटिंग एंड मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ तक आप लिख लेंगे ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाएगी तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आके मिक्स करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बनेगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। प्लीज नोट दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन हाउएवर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक टाइम के बाद बढ़ाते इतना बढ़ाते जाइए कि ढेर सारा सॉल्यूट हो जाए। हाँ, ये अलग बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्यूट की डिजॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो कोई फिक्स अमाउंट में नहीं होता, यानी कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करके बता सके कि वो कितना होगा। नेक्स्ट हमारा, वी विल नाउ डिस्क्राइब द कूलिंग इफेक्ट ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अवेलेबल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब आप ठंडा करेंगे तो बताइए उसकी कैपेसिटी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की बढ़ जाती है घट जाती है, घट जाती है, यानी कि उसके अंदर जो पहले से कैपेसिटी थी 10 ग्राम की, अब वो घट के 8 ग्राम हो गई, तो 2 ग्राम सॉल्ट उसके अंदर एक्स्ट्रा हो गया, और वो क्या करेगा, जो कंटेनर है उसके बॉटम लेयर पे इकट्ठा हो जाएगा। देन सम ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। वो आपको सॉलिड, अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन रहा होगा तो सॉल्ट, शुगर का रहा होगा तो शुगर के पार्टिकल्स के फॉर्म में आपको नीचे बॉटम लेयर में देखने को मिल जाता है। दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, आप इसको भी लिख लेंगे यहाँ तक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट की जो कैपेसिटी वैल्यू है वो क्या होती है, घट जाती है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आप मिक्स कर सकते हैं उसकी जो वैल्यू होगी लगातार धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर है, चलिए आप ये कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
आप कैसे बनाएंगे? सिंपल है, देखिए, वी विल डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस से सोडियम क्लोराइड एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कई बार 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, उससे थोड़ी सी हीट होने पे, मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाए, वो भी कौन सा, सेचुरेटेड सोल्यूशन, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? वी टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड हीट इट स्लोली विद द हेल्प ऑफ बर्नर। आप एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ा पानी लीजिए और उसको हल्का हल्का क्या करिए, हीट करिए। नाउ नाउ वी स्टार्ट एडिंग सोडियम क्लोराइड सॉल्ट टू हॉट वाटर विद ए स्पून एंड स्टीयर इट विद अ ग्लास रॉड कंटिन्यूसली सो दैट सोडियम क्लोराइड गोज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। अब उसके बाद आप धीरे धीरे पानी को हीट करते रहिए और उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि जो सॉल्ट है आप उसको मिक्स करते रहिए। वी टेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, और तब तक करिए जब तक कि आप थर्मोमीटर से उस सॉल्यूशन का स्केल 30 डिग्री सेल्सियस आप अचीव नहीं कर पाते, यानी कि आप मेजर भी करते रहेंगे थर्मोमीटर से कि टेम्परेचर कितना हुआ वाटर का। गो ऑन एडिंग सोडियम क्लोराइड टिल नो मोर सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्स इन इट एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो लेफ्ट इन डिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और आप ये काम तब तक करते रहिए यानी कि उसमें सॉल्ट तब तक मिलाते रहिए एक्स्ट्रा जब तक कि वो घुलता रहे। जब आप देखें कि अब सॉल्ट मिलाने पे वो घुल नहीं रहा जबकि वो बॉटम में आके बैठने लगा है, यानी कि उस केस में उसकी जितनी कैपेसिटी थी आपने उसको उतना सॉल्यूट पहले से ही दे रखा है, अब उससे ज़्यादा नहीं लेगा और जो आपको सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द कंटेंट्स ऑफ द बीकर्स आर नाउ फिल्टर थ्रू अ फिल्टर पेपर। अब उसके बाद जो आपके ट्यूब में है, जो आपने बीकर में सॉल्यूशन बनाया उसको फिल्टर पेपर से लेकर छान लीजिए, यानी कि जो उसके अंदर एक्स्ट्रा, जब आप मिला के चेक कर रहे होंगे तो कुछ सॉल्ट एक्स्ट्रा हो गया था ना, उस सॉल्ट को एक्स्ट्रा छान के अलग कर लीजिए, जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेंड, ओके, द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर नाउ फिल्टर थ्रू अ फिल्टर पेपर अरेंज इन अ फनल। फनल एक टाइप का देखिए टूल होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ हैंडल लगा होता है, इसके ऊपर आप फिल्टर पेपर रखेंगे और यहाँ से पानी गिराएंगे तो जो आपका सॉल्यूशन है वो तो पास हो जाएगा और जो उसके ऊपर सॉल्ट एक्स्ट्रा थी वो ऊपर ही इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरह से आपको प्योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। द क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं था, बस नॉर्मल सी बात जो अभी आप जानते हैं सीखे हैं वही चीज़ आपको करना था। वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 30 डिग्री सेल्सियस अलाउड टू कूल। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब बताइए अगर 30 डिग्री सेल्सियस आपने हीट करके उसको सॉल्यूशन बनाया है और आप उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें तो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, ठंडा होगा तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया है उस सॉल्यूशन में आप बताइए सॉल्यूट की अमाउंट एक्स्ट्रा हो गई होगी या कम, यानी कि जब आप 30 डिग्री सेल्सियस पे आपने बनाया ये वाला सॉल्यूशन आपका बन गया, आप उसको ठंडा होने दे रहे हैं तो उस केस में इसकी कैपेसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी और इसमें जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आ गया था वो सॉल्यूट क्या होगा, अब नीचे आके ऐसे इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि हमें एक चीज़ एकदम याद रखना है, जब हम हीट करते हैं किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो वो अनसैचुरेटेड बनता है, यानी कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, जबकि अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो उसके अंदर जो पहले से सॉल्यूट डिजॉल्व था उसका कुछ सॉल्यूट बाहर आके ऐसे सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ठंडा कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट की कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। आपको ये सब कुछ करना नहीं था, इसमें बस सुनना था, समझना था और उसको भूल जाना था। हाँ, ये नहीं कि अब उसको बैठ के लगे रटने। नेक्स्ट है, देन क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल रीअपियर इन द सॉल्यूशन। एक्चुअली ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डिक्रीजेस। हाँ, जैसे जैसे आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी और उसके अंदर जो पहले से एक्स्ट्रा चला गया था कौन,
सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे और वो सेपरेट आउट हो जाएंगे एंड दे सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वी विल नाउ डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू सो मच।